সকলে তাদের অক্সিজেনের শর্টেজ, প্রাইস অনেক হাই হয়ে গেছে 20,000 টাকা। এটা টেস্টের রিপোর্ট আসতে আসতেই কিন্তু সাত দিন সময় হাতে পাওয়া যায়, শুধুমাত্র ডাক্তাররা যদি ইনভলভ থাকে তাহলে তো হচ্ছে না, কারণ না ডাক্তার। স্বাগতম সবাইকে ভিচুয়াল রিঅ্যাকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করছি সেটি হচ্ছে খান স্যারের একটি ভিডিও, আর ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে অক্সিজেন ক্রাইসিস ইন ইন্ডিয়া, ভ্যারোফেনল নজেল স্প্রে কোভিড-19, গ্রিন করিডোর কোভিড-19 মেডিসিন। তো এই মুহূর্তে আসলে ইন্ডিয়াতে অক্সিজেনের খুব ক্রাইসিস দেখা যাচ্ছে, কোভিড-19ও অনেক বেশি পরিমাণে স্প্রেড আউট হয়ে গেছে। তো এই অক্সিজেন কীভাবে উৎপাদন হয় কিংবা অক্সিজেন কীভাবে আসলে ট্রান্সপোর্ট হবে এই বিষয়ে হয়তো ভিডিওটা হতে পারে। তো কোভিডের কারণে এখন যে সিচুয়েশান ইন্ডিয়াতে, ওই সেম সিচুয়েশান আমাদের এখানেও হতে পারে, আমাদের দেশেও। এখনও আমরা জানি না আসলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, আশা করি ইন্ডিয়া এই সিচুয়েশান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আশা করি মৃত্যুর হার কমবে এবং যে ক্রাইসিসটা চলছে এটা থেকে তারা উতরে উঠবে। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। समझते हैं हम लोग कि हवा में तो ऑक्सीजन है, बावजूद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, और इन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक क्रायोनिक टैंकर की क्यों जरूरत होती है, और इन्हें आप सुन रहे होंगे कि ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है, और साथ ही जाइडस कैडिला ने कौन सी कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और नेजल स्प्रे कौन सा है जो कोरोना को 90% से ज़्यादा मात्रा में उसे उसका वायरल लोड को कम कर देता है। देखिए, हमारे यहाँ ऑक्सीजन अभी सबसे बड़ी किल्लत हो गई है, बेड खाली हैं लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है, और ये वाला जो कोरोना है ये फेफड़ों को उतना नुकसान 2 दिन में कर दे रहा है जितना पहले वाला कोरोना 7 दिनों में करता था। यानी 2 दिन में आप समझ सोचे कोरोना है, कोरोना है, इवन रिपोर्ट आते आते कि आप क्रिटिकल हो जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है, हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में समस्या उसे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चेन नहीं बना हुआ है कि हमें वहाँ से लाना कैसे है। देखिए, हमारे देश में टोटल ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो 7,000 मीट्रिक टन है, ये डिमांड है हम लोग का आ रहा है, जबकि हमारी जो क्षमता है पर इसको प्रोड्यूस करने की वो है 7,800 मीट्रिक टन की। इसका मतलब हमारे पास 800 मीट्रिक टन और ज़्यादा ही ऑक्सीजन जितना डिमांड है, और हम लोग ने अभी गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि इसे 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देना है। लेकिन आप देखिए, हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग चेन सिस्टम ना होने की वजह से दिक्कत आ जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और ऑक्सीजन को लिक्विड बनाने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है। एकदम ठंडा कीजिएगा तो वो पानी बनने लगेगा, जैसे आप देखिएगा ठंड के दिनों में टेम्परेचर घटता है तो हवा पानी बनने लगती है। हम जो सांस अभी छोड़ रहे हैं ऐसे, अभी ये पानी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर अभी टेम्परेचर हो जाए जनवरी फरवरी के महीना में हम यही सांस छोड़ेंगे तो इसी में का हवा पानी बनने लगता है जो भाप की तरह दिखने लगता है। तो ऑक्सीजन को ठंडा करना पड़ता है, ऑक्सीजन -183 डिग्री रखिएगा तो भाप ठंडा होगा, तो एकदम एक्यूरेट तो उतना नहीं रखना है, थोड़ा और ठंडा करना पड़ता है, तो लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर इन बड़े बड़े प्लांट से बनने वाले ऑक्सीजन को फिर इतना ठंडा करके ले जाया जाता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही टफ होता है, इसे रखने के लिए एक अलग से कंटेनर आता है जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई भी चीज़ का टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोनिक टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, क्रायोजेनिक। तो ऐसे टैंकर जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। टाटा ने अभी ऐसे कई क्रायोजेनिक टैंकर को आयात किया। इसके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इस ट्रक को, ये ट्रक चल रही है ये ऐसे नॉर्मल टंकी की तरह नहीं होता, इसे ये ठंडा कर रहा होता है ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहे। इसके बाद जो चुनौती आती है, हमारे पास अभी एट अ टाइम में इतने ज़्यादा टैंकर जो थे क्रायोनिक टैंकर नहीं थे, तो हम लोगों ने कई सारे क्रायोनिक टैंकर सिंगापुर से मंगाया है, कई टाटा ने विदेशों से मंगाया है, और हमारे जो क्रायोनिक टैंकर जो थे जो बचे थे तो पता चलता है कुछ राजस्थान में है, कुछ केरल में, कोई इधर उधर बिखरे हुए हैं। और जो ऑक्सीजन का प्लांट है जो ज़्यादातर स्टील प्लांट से आ रहे हैं, राउरकेला के स्टील प्लांट, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, यहाँ यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, वाईजेक वगैरह से, तो यहाँ तक में वो टैंकर ही नहीं है। तो हमारी भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े जहाज जो है C-17 ग्लोब मास्टर उससे इन खाली टैंकरों को भर रही है उसमें, और इनको क्या करती है वो स्टील प्लांट तक उड़ा के लाती है, फिर ये टैंकर इसमें से निकलते हैं, भरते हैं, फिर उन्हें जगह तक पहुंचा रही है। तो एयरफोर्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि ऑक्सीजन को टाइम से पहुंचाया जा सके, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब इसमें रेलवे ने भी काम किया, रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब
आपको अगर मान के चलिए कि उड़ीसा में ये टैंकर भर दिया गया, तो ये ड्राइवर खुद चला के लाएगा, उससे बेटर है कि इसको रोल करके चढ़ा दीजिए किस पर, इस मतलब मालगाड़ी पर, और ये मालगाड़ी चलेगी और फिर जब दिल्ली पहुंचेगी तो उसे उतार दीजिए, तो रोल ऑफ, तो इसी को रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये जो ट्रेनें चल रही हैं जरूर है, लेकिन ये लेट चल रही हैं, जितना जिस हिसाब से चलना चाहिए उतने उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं ये ट्रेनें, तो इसमें भी थोड़ा सुधार की ज़रूरत है यहाँ पर। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा है, ये लेट भले चलती बट एक बार में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचा देती है, पूरा इसके ऊपर टैंकर ही लगा रहता है, तो रेलवे की भी ये अच्छी भूमिका है इसमें। आप सुन रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी वो मोदी जी के साथ जो मीटिंग थी उसमें कहा था कि उन्होंने कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई आ रही है उसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। देखिए ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, एक ऐसा सड़क की कल्पना कीजिए, मतलब वहाँ पर पुलिस क्या करती है, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर पूरे सिग्नल को ग्रीन कर देते हैं, और जो इमरजेंसी वाली चीज़ रहती है उसको उसी रास्ते से निकालते हैं। मान के चलिए चार लेन की सड़क है तो कुछ किसी एक लेन को वो ग्रीन कर देंगे, और उसमें जो एम्बुलेंस है या फिर जो ऑक्सीजन खड़ा है उसको उसी रास्ते से ले जाएंगे, उसको जितना दूर चाहे, चाहे वो दिल्ली से कलकत्ता जाए, उसे रेड सिग्नल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों लगी हुई है इसको जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो, तो इसी को कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। तो ग्रीन कॉरिडोर से अगर ऑक्सीजन आएगा तो जाम में नहीं फंसेगा, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन जाम में फंस गए थे, अक्सर ऐसा होता है। ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं, दूसरे शहर में हार्ट है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, अब पता चला हार्ट आ गया, दो दिन जामे में फंस गया तो दिक्कत होगा, इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के मिलने से चार घंटे में पहुँचाया गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन कॉरिडोर। तो ऑक्सीजन के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट इसे बना भी रही है, ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए सरकार जर्मनी से लगभग 25 ऐसे पोर्टेबल जो डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं सब ऑक्सीजन मेकर फैक्ट्री लगा रही है, मतलब छोटे से मशीन होते हैं ये ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहे, हवा के ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके हमें दिया जाता है वो वाला ऑक्सीजन। डीआरडीओ ने जो भारतीय सेना के लिए जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया था, ये भी भारतीय सेना ने, मतलब ये डीआरडीओ अब हॉस्पिटलों को भी दे रहा है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आप इससे इस मास्क को अगर लगाते थे तो ये ऑटोमेटिक होता है, कितना ऑक्सीजन बढ़ाना है कितना घटाना है, इसमें नर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डीआरडीओ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जर्मनी से ये आयात किया ही जा रहा है। अभी देखेंगे हमारे यहाँ एक और समस्या आ गया, जो ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर होता है ना ये लोहा वाला, ये सिलेंडर का शॉर्टेज कर गया है, लोग इसको रख रख के घर में रख लिए कि हम अभी बीमार पड़ेंगे तो हम अपने लिए रखेंगे, ये शॉर्टेज पड़ गया, इसका ब्लैक रेट जा रहा है, 600-700 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 20,000-30,000 में मिल रहा है, इतना ज़्यादा इसकी क्राइसिस हो गई है इस सिलेंडर की। और इसी में क्या कहा जाता है, मतलब एक तो और समस्या समझिए, आप पिछले हफ्ते देखे होंगे कि नासिक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाला टैंकर था यही लीक कर गया, और लीक करने से 20-22 लोग की मृत्यु हो गई। कई लोग सोच रहे हैं कि जहरीला होता है क्या, नहीं भैया ये लीक करके उड़ गया, तो ऑक्सीजन जो मरीज को मिलना चाहिए मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज छड़पड़ा के मर गया बेचारा यहाँ पर। तो कभी कभी किस्मतों से ससुरा खराब रहता है, कहते हैं ना किस्मत खराब रहे तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, बताइए यही जो बीमारी है अलगे है, उनमें से ऑक्सीजन लीक कर गया। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है। केरल याद कीजिए भारत का पहला राज्य था जिसमें कोरोना के सबसे पहले मरीज देखे गए थे, वहीं से यहाँ पे मतलब भारत में स्टार्टिंग इसी एरिया से हुई थी भारत में। केरल इस चीज़ को समझा और वो अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को बैठाना चालू किया, ऑक्सीजन का चेन बैठाया, पूरी तरह से सिस्टम इको सिस्टम बना लिया वहाँ पर। आज के वक्त में जो केरला है वो 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसकी कुल डिमांड केरला की महज 90 मीट्रिक टन है, यानी वो दुगना से भी ज़्यादा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, दूसरे राज्यों को दे रहा है। इवन उसने अपने हॉस्पिटल सुविधा को बढ़ाया, उसके पास जितनी ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा आईसीयू बेड है, जितना ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा वेंटिलेटर है। तो इस मामले में केरल आगे है, जानते हैं क्यों, क्योंकि केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है, वहाँ लोग एजुकेटेड ज़्यादा है, यही फ़ायदा होता है एजुकेशन का, और एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो उल्टा सीधे चीज़ों में हम लोग उलझ के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे नोएडा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है बट उसको पर्यावरण विभाग से NOC नहीं मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अरे यार पर्यावरण वालों को भी समझ में नहीं आता, यहाँ आदमी मर रहा है तुमको वहाँ NOC भागा जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो जो प्लांट NOC से अटके हुए हैं उनको फाइनल कराए। केजरीवाल और मोदी जी के बीच में जो बात हो रही थी उसमें देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए थे लेकिन वो टेंट कंपनी उसको लगाई ही नहीं, तो इस पर भी तो निगरानी रखना ज़रूरी है वरना ऐसे ही विकट परिस्थिति आएंगे। देखिए मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है, हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है जो हमारे
सांस के काम में नहीं आता है, 21% ऑक्सीजन है यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाँट दिया जाता है, धूल कण को छाँट दिया जाता है, हर चीज़ छाँट दिया जाता है, और जो 21% ऑक्सीजन मिल रहा था उसमें से पूरा का पूरा छान के और 98% वाला ऑक्सीजन भर देते हैं। 98% इसमें ज़्यादा शुद्ध मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अभी हवा में, खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो कितने 21% के आसपास में ऑक्सीजन जाएगा आपका, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेंगे तो 98% जाएगा। तो सोचिए, ये एक ऐसा ऐसे समझिए, इस चाय में कम चीनी मिली है, इस चाय में ज़्यादा चीनी मिली है, इस तरह से आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या है कि पेशेंट मरीज भी है ना, तो उसको 98% मिल रहा है तो काम चल जाता है उसका, ये ऑक्सीजन सिलेंडर। ये इसी वजह से मरीजों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94% से नीचे, तो आपका ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 या 90 आ गया तुरंत आप ऑक्सीजन पर बैठिए, इसके लिए प्रोन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनिंग पोजीशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। देखिए, हमारे फेफड़ों के जो बीच के हिस्सा होता है वो काम नहीं करता है जनरली, वो ऐसे एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है। लेकिन जब हम प्रोन पोजीशन पर करते हैं तो उस पर लोड पड़ता है और वो भी काम करने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इंसान को उल्टा लेट जाना चाहिए और सीने के पास तकिया लगा लेना चाहिए। देखिए, ये लेटा है, सीना के पास तकिया लगा दीजिए, आधा घंटा तक ऐसे करना चाहिए। इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। एक उल्टा लेट जाइए, सीने के पास तकिया लगा लेते हैं आप, तो जब तकिया लगाते हैं तो वो जो फेफड़े का वो हिस्सा था जो काम नहीं कर रहा था वो भी पूरी अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, जो रिजर्व में बचा हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसका एक और भी होता है प्रोन पोजीशन का, जैसे एक तो ऐसे तो पूरा उल्टा लेट के और करवट भी घूम के लेट सकते हैं। एक बार इस करवट में याद रहे, करवट जब रखिए दोनों हाथ उसी साइड में रहे, फिर दूसरे करवट में दोनों साइड उस साइड में रहे, उसके बाद आप पीछे तकिया लगा के बैठ भी सकते हैं। चौकी पे ही जो लेटे हैं उस पे ही आप क्या कीजिए, जैसे आदमी दीवार से टेक लेता है ना, वैसे वहाँ पर आप तकिया से टेक ले सकते हैं। इसे प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और रियल में भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के पेशेंट में 92 है 90 है वो इसका प्रयोग करेंगे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, तो आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे भी आपका नॉर्मल पे आ सकता है। भारत के सामने एक और विकट परिस्थिति आ गई है वैक्सीनेशन को लेकर। हमें वैक्सीनेशन को अगर पूरा टारगेट के हिसाब से करना है तो हमें 13 करोड़ डोज वैक्सीन के हर महीने चाहिए होंगे, जो कि अभी बन रहा है 6 करोड़ के आसपास। वो तभी पॉसिबल है जब अमेरिका जो लगा प्रतिबंध दवाओं के जो उसके जो लगते हैं सामान वगैरह उसके पे प्रतिबंध नहीं हटाएगा अमेरिका, तो वो डोज बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जो बाइडेन ने कह दिया कि हम उस प्रतिबंध को नहीं हटाएंगे, ये लोग अमेरिका वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, इनसे हथियार वगैरह। इसलिए भारत को भी देखिएगा ना, इनसे बहुत वैसे चीज़ें ही खरीदता है जिसके बार बार ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भूल गए जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो हम लोगों ने यहाँ से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया था, वो कह रहे थे कि नहीं देंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम ये लोग बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से ज़्यादा महत्व रखता है। रूस ने वादा किया भारत को कि वो 4 लाख रेमडेसिविर की डोज हर हफ्ते दे देगा, साथ में ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और अपना वैक्सीन स्पुतनिक जो उसने बनाया है उसकी भी एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है, वो भी भारत को देगा। तो ये पुराने दोस्त हैं हम लोग के, ज़्यादा सूटेबल होते हैं ये लोग। ससुरा लोग बताइए, मौका पे पलट गया। अभी के वक्त में कोरोना में जिंकोवाइट जो है, जिंक का मात्रा बढ़ाने के लिए है, लिमसी जो विटामिन सी के लिए है, ये ज़रूरी है, ये फिक्स है। यहाँ पे डेक्सामेथासोन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, ये आपका मतलब स्टेरॉइड में मतलब फीवर वगैरह में आप लोग इसका यूज करते हैं, लोग ज़्यादातर डॉक्टर इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में इसमें खून के थक्के बनने की समस्या ज़्यादा आती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ता है जो खून को थोड़ा पतला कर देता है ताकि गाढ़ा होकर थक्का ना बन सके। रही बात रेमडेसिविर की, रेमडेसिविर की कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई हद नहीं, जबकि रेमडेसिविर कोई रामबाड़ नहीं है। इसका एक फिक्स है कि शुरुआती दिनों में अगर आपको रेमडेसिविर लग जाता है स्टार्टिंग फेज में, तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेमडेसिविर ले लेंगे तो बच जाएंगे। एक आदमी से हमारी बात हुई, कहे सर हमको कोरोना का कोई डर नहीं, हमने रेमडेसिविर रख लिया। हम कहे वाह रे भैया वाह,
रेमडेसिविर रख लिए तो बच जाएंगे यहाँ पे। नहीं भाई, उस तरह से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, चौकी पे बैठे रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो क्या चौकी को आप इंजेक्शन मान लेंगे? चौकी पे बैठ जो क्या बैठा पे चाचा ठीक हुए थे, ये इलाज है लेकिन 100% नहीं है। कुछ कुछ में ही ये रेमडेसिविर काम कर रहा है। इस बीच भारत की अव्वल दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला, इसने एक अपनी दवा को बताया है। उस दवा का नाम है विराफीन। हालांकि ये विराफीन बहुत पुरानी दवा है। ये देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है कि वायरस को मारने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल बनते हैं, लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल नहीं बन पाते। तो अगर हमारे शरीर में इंटरफेरॉन रहेगा तो वो जल्दी से मार देगा वायरस को। इसलिए जाइडस कैडिला ने ये हेपेटाइटिस के वायरस को मारने के लिए पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B नामक दवा बनाया था। इसी पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B जो है ये इंटरफेरॉन अल्फा की मात्रा को बढ़ा देता है, तो इसका नाम वो जनरली में विराफीन रखा गया। अब चूँकि हेपेटाइटिस पर इसका प्रयोग किया गया, और हेपेटाइटिस भी RNA वायरस होता है और कोरोना भी RNA वायरस है, इसलिए इसका प्रयोग करके देखा गया कि क्या यह काम करता है कि नहीं। तो विराफीन एक्चुअली हेपेटाइटिस की दवा थी। जब इसको देखा गया तो बहुत ही बेहतरीन काम किया यहाँ पर। अपेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B का ये फार्मूला होता है यहाँ पर। बेहतरीन काम किया, एक हफ्ते में निगेटिव कर दिया कोरोना से। तो भारत सरकार इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कि अब इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग हॉस्पिटल में ही होगा, पर्सनल किसी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए कनाडा की कंपनी जो थी सैनिटाइजर में थे, उसने कंपनी का नाम था, उसने एक नोजल ये स्प्रे बनाया। इस स्प्रे को करने से 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना क्या हो रहा है, उसका लोड घट के 0 तक आ जा रहा है, 99% इसका है। ये बहुत शानदार काम कर रहा है और इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें लगाए इसको दबाइएगा तो स्प्रे करके, सैनिटाइजर में दबाते हैं तो फेंक देता है वहाँ पर, तो नॉर्मल लगा के इसको करके प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस हुआ है कनाडा में। हालांकि इसका कई जगह मान्यता भी मिल गया है, ब्रिटेन हो गया, इसराइल हो गया, इसे मान्यता दे दिया है। तो भारत सरकार को भी इसे देना चाहिए। देखिए, ब्रिटेन भी तो पागल है नहीं जो इसे मान्यता दे देगा फालतू में। इसराइल हम लोग से बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया, उसने जब मान्यता दिया तो मतलब इसमें कुछ है। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि ये उतना काम नहीं भी करेगा तो कौन सा हम इसको ब्लड में दे रहे हैं, ससुरा नकिए में ना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो क्रीम पाउडर ये सब जो बाहर से चीज़ लगते हैं उतना नुकसान नहीं देते। तो भारत सरकार भी इस पर ये अप्रूवल के लिए दे रहा है। हालांकि ये पार्टनर खोज रहा है भारत में, और जैसे पार्टनर मिल जाएगा भारत सरकार के DGC जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो परमिशन दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह का नोजल भारत बायोटेक भी बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रही है, लेकिन अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं। 7 अगस्त तक जाएगा, तब तक कोरोना का पीक आएगा मई के बीच में, तो ये इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो एक राहत की सांस लेंगे हम। दो देश ऐसे भी हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, एक आपका इसराइल हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड हो गया। ये लगभग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि अब जिस हिसाब से चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, जाइडस कैडिला की विराफीन दवा भी है और नोजल स्प्रे भी है, इस तरह से कोरोना का खात्मा ज्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ, कुछ नई किरण की नई उम्मीद जगी है। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, इस सब पे लिखा रहता है यह मौत का कारण है, लेकिन फिर भी लोग उसको खाते हैं। और वैक्सीन पे लिखा है कि आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, लेकिन फिर भी इससे लोग डर रहे हैं। वाह रे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन। बोलो जुबा केसरी, मरो ससुरे तुनाई जुबा केसरी, यहाँ वैक्सीन लगाएंगे हम तो ना, जुबा केसरी करिए, केसरी जुबा सब बताइए। गुटखा से लोग नहीं डरते हैं, हजारों लोगों की जान लेता है शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, लेकिन ना वैक्सीने से इन लोग को ज़्यादा डर लगता है। देखिए, आप सब लोग को भी बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 15 मई तक, 15 से 20 मई मान के चलिए, 20 मई तक अगर आप अपने आप को कोरोना से बचा लेते हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर उस सिस्टम को अब ठीक कर रही है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और अगर अभी आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना दवाई वाई कुछ ना मिलेगी, सीधे जाएंगे ऊपर यहाँ पे। इसलिए अभी बचने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा रिस्की चल रहा है। 15 से 20 मई तक अगर आप बच गए ना, तो उस समय तक ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नोजल स्प्रे का हो सकता है कि उस समय तक अप्रूवल भी मिल जाए यहाँ पे, लेकिन अगर इधर लापरवाही कर देंगे ना, तो फिर समय ले जाएंगे। जिनको कोरोना हुआ है ना, देखिए कितना भयानक त्राहिमाम मचा हुआ है, लग रहा है शमशान घाट तो लग रहा है जैसे दिवाली है वहाँ पर, इस तरह से हो गया। तो कैसे भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया, दादा, जो हैं आप लोग, जहाँ बड़ा लोग वही जा रहा है, ढेर छटपटेला की जरूरत नहीं है। कई जना के बुझाता कि कोरोना कुछ ना, जिनका जाके देखा हॉस्पिटल में का हाल भैया।
तो सब लोग को कहते हैं भाई साहब बस 15। वैसे भी आप देखिए, हम अपने चैनल पे कोई भी बात को पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं, नहीं अगर नहीं सुधरेंगे तो पर डे भारत में 5 से 6 लाख कोरोना के मरीज मिलने लगेंगे। इसलिए थोड़ा दिन और संभल के रहिए। अमीर आदमी को कोरोना से डर लगता है, बेचारा गरीब इंसान को लॉकडाउन से डर लगता है। बेचारों की रोजी रोटी चली जाती है, डेली कमाने वाले हैं लोग, उनका कमाई भी बंद हो जाता है। हालांकि इन अमीरों ने बहुत सारे योगदान भी दिए हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन के टैंक हो, या अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन हुआ हो, या बहुत ही मोटे रकम में इन्होंने दान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं है, बहुत बेहतरीन। हाँ, वैसे ही लोगों ने दान नहीं दिया जो विदेशी कंपनियां भारत में है, उन लोगों ने पैसा उसे नहीं दिया। इसलिए अपने स्वदेशी पर ज़्यादा बल दीजिए। अब सरकार के लिए कुछ सुझाव देखिए, इस कोरोना की दिक्कत परिस्थिति में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके भाग गए हैं, मरीज नहीं देख रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने अंदर टेकिंग ले लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। और जो कोरोना के माइल्ड सिम्टम वाले मरीज हैं, यानी जो खतरनाक नहीं पीड़ित हैं, जिन्हें नॉर्मली ठीक किया जा सकता है, हल्का फुल्का की ज़रूरत है, तो उन्हें ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार के जो कोविड हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर जो बेहतरीन डॉक्टर लगे हैं, बेहतरीन बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो उनको भी लगाए जो सीरियस हैं, उनको भी लगाए जो सीरियस नहीं है। तो ये समस्या है। तो जो सरकार का अपना कोविड हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर है, कोविड कमांड सेंटर है, या जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको उसके लिए रिजर्व रख दिया जाए जो एकदम सीरियस मरीज है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें भर्ती करना जरूरी हो जाएगा। और इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को और इसमें काम कर रहे नर्स और डॉक्टर को सरकार इमरजेंसी घोषित करते हुए 1 से 2 महीना के लिए अपने अंडर में ले सके। अब भारत में कुछ भी लिया जा सकता है, नेशनलाइज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ले लें। यहाँ पर सरकार 1 मई से कहिए वैक्सीनेशन के लिए। भाई साहब, हमको तो लग रहा है कि कोरोना से लोग इतना डर गए हैं कि 1 मई से जो लंबी लाइन लगेगी वहाँ, लाइन से ऐसे ना हो जाए कि वहाँ से कोरोना फैलना चालू हो जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे के सारे बंद हैं, इवन सरकारी भी बंद है। तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सरकार को क्या करना चाहिए, उसे अपने अंडर टेकन ले लेना चाहिए 2 महीने के लिए। और वहाँ पर हर जगह पर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ वहाँ पर उन्हें कोरोना की वैक्सीन देनी चाहिए, उसको वैक्सीन सेंटर बनाना चाहिए। और जितने टीचर सरकारी छुट्टी पर है ना, इन टीचरों को वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में लगाना चाहिए। खाली बैठे हैं वो लोग वहाँ पर। अभी क्या है कि हर काम मेडिकल स्टाफ ही कर रहा है, तो वैक्सीन को ले आना, वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करना, किस व्यक्ति को लग रहा है, आज टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये काम इन सरकारी स्कूल के टीचरों को सौंप देना चाहिए, जिस तरह से चुनाव आयोग सौंप देता है इन लोग को। और जो मेडिकल स्टाफ है, उसका मेन और मेन काम होना चाहिए पेशेंट से उनका ये मतलब होना चाहिए, वो आए तुरंत वैक्सीन दे। अभी क्या हो रहा है, बेचारा मेडिकल स्टाफ ही हाजिरी बना रहा है, वही रिकॉर्ड चेक कर रहा है, वही वैक्सीन को लेके आ रहा है, वही वैक्सीन लेके जा रहा है, कितना लगा कितना सब। बेचारा वो क्या इंसान नहीं है सब, क्या मेडिकल वाले बेचारे डॉक्टर और नर्स लोग को देखिएगा ना, ड्यूटी करते करते बेचारों का हालत खराब हो गया। तो इन लोग को बैठा के सैलरी देने से क्या मतलब है? इससे क्या है कि कई जगह वैक्सीन सेंटर हो जाएंगे और हम लोग बहुत जल्दी वैक्सीनेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी क्या है कि बड़े से पंचायत एरिया में एक तो छोटा सा वैक्सीन, उसमें बेचारे स्टाफ भी है, तो इनका यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना एक जगह बनाएंगे तो वहाँ से कोरोना फैलने लगेगा। हम भारत सरकार के तथा सारे राज्यों से हम ये अपील करते हैं, विनती करते हैं कि जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उन्हें केवल कोरोना के इलाज में लगाइए। हर हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को देखने के लिए वहाँ पर आप अधिकारियों को नियुक्त कीजिए। अभी रेलवे है, उसके अधिकारी फ्री हैं, बहुत रेल नहीं चल रही है। मेट्रो अभी बंद पड़ी हुई है, उसके अधिकारी फ्री हैं। तो ऐसे अधिकारियों को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी दे दीजिए कि किस नर्स की ड्यूटी रात में लगेगी कि दिन में लगेगी, ऑक्सीजन आया कि नहीं आया। ये लोग, ये अधिकारी हैं तो इन्हें मैनेजमेंट करने आता है, ये बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आपने छोड़ दिया हॉस्पिटल को, बेचारा वही ऑक्सीजन देख रहा है कि नहीं है, सप्लाई देख रहा है, हाजिरी देख रहा है, ड्यूटी देख रहा है, शिफ्ट देख रहा है, सैलरी देख रहा है, अटेंडेंस देख रहा है, मर जाएगा बेचारा वहाँ पर। अभी के वक्त में इन 2 महीने के बीच में क्रूशियल टाइम है, इन लोग को झोंक दीजिए यहाँ पर। हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स का काम केवल और केवल कोविड मरीज को देखना है, इनका मैनेजमेंट हो जाए, बाकी वो हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो कहाँ रह रहे हैं, ये सारा काम ये लोग देख सकते हैं। अब जैसे हमारे मंत्री जी हो गए, जैसे अमित शाह जी हो गए, उद्घाटन करने हॉस्पिटल जा रहे हैं या स्थिति का जायजा लेने, पता चला 4 डॉक्टर इनके आगे पीछे घूम रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उद्घाटन करने मत जाइए, अच्छी बात है, आपके जाने से वहाँ पे और मतलब त्वरित काम होगा, लेकिन 10 डॉक्टर बिजी हो जा रहा है। तो ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव में लगे रहेंगे लोग, वो लोग दिखा देंगे कि हाँ सर, आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, देखिए ये पोजीशन है, इतना ऑक्सीजन है, इतना ये मरीज है, ये है डॉक्टर, अपना भी कोई मतलब नहीं। अब गृह मंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, जब तक कोरोना है डॉक्टर को छोड़ दीजिए यहाँ पे। हाँ, कोई भी मंत्री आए भैया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला देख लेगा यहाँ पर। और साथ ही कौन सा काम हुआ कि नहीं हुआ, जैसे
कितना ऑक्सीजन चला है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितना डिमांड है, बैकअप में कितना बचा है, मरीजों की संख्या कितनी है, मरीज एडमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब की जांच के लिए भी ना रिटायर्ड जजों को नियुक्त करना चाहिए और उनके अंडर में देना चाहिए। yes, क्योंकि रिटायर्ड yes. जो जज होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों या हाईकोर्ट के हों, इजीली अवेलेबल है, उन्हें अगर ये सौंप देंगे तो उन्हें बेहतरीन ढंग से एडमिनिस्ट्रेटर के काम आता है और कोई जज से बैठेगा भी नहीं वहाँ पर, यहाँ पर तो हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा ना, तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इसको समझने समझने में हमारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार बात मान लीजिए, आप लोग बहुत सारे बात मान लेते हैं, हमारे लिए भी देश पे एहसान होगा अगर ये बात मान लेते हैं, तो इस चेन को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाएगा, इसलिए आप लोग संभाल के रखिए, कैसे भी 10 से 15 मई तक आप लोग अपने आप को बचा के रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और जो जिन शहरों में कोरोना बहुत खतरनाक है, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुंबई का एरिया हो गया, उन जगहों पे जहाँ पे सख्ती है वहाँ 10 से 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए, एकदम भयानक वाला, क्योंकि ज़्यादा ढिलाई देना भी ठीक बात नहीं होता है लॉकडाउन में वहाँ पे। और जो प्रशासन है उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेल्प लीजिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए, तब जाके हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे, वरना हमारा देश जो है ना एक एक हीरा खो रहा है। कोरोना के बेड पे मरा हुआ कोई भी व्यक्ति इस देश का महान व्यक्ति हो सकता था। जब अब्दुल कलाम ट्रेन में बैठ के अखबार बेचा करते थे तो कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन मिसाइल मैन बनेगा, तो न जाने जिन्हें आप संख्या गिन रहे हैं ना, उन संख्या में कौन हीरा होगा इस देश के लिए कोई नहीं जानता है। भगवान से हम विनती करते हैं जल्दी से इस आपदा से निकाले, और आप लोगों से भी कहते हैं बच के रहिए हम, और आप मास्क वगैरह जरूर लगाए, जो नियम है उसका पालन करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। খান স্যার, এই ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ এবং খুবই সময়োপযোগী ছিল। এখন আসলে খুবই ক্রাইসিস চলতেছে, এবং সেটা শুধু অক্সিজেনের ক্রাইসিস না, বেডের ক্রাইসিসও চলছে, এবং করোনা খুব কঠিনভাবে আসলে চারিদিকে ছড়াইয়া গেছে। আর এখন যদি প্রপার লকডাউন না হয় তাহলে কিন্তু আসলে ভবিষ্যতে অবস্থা আরও খারাপ হবে, কিন্তু যদি কঠোর লকডাউন হয় তাহলে কিন্তু গরিবরাও না খেয়ে মরতেছে, সেটাও কিন্তু আরেকটা বিষয়। সো সব মিলিয়ে আমরা একটা আসলে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আর এই মুহূর্তে অক্সিজেনের অভাবটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি, এবং যেটা আমরা খান স্যারের ভিডিও থেকে কিন্তু অলওয়েজ আমরা কিছু না কিছু শিখতে পারি, এবং সেটাই হয়েছে যে বরাবরের মধ্যে এখানে অক্সিজেন নিয়ে কিন্তু যেসব কথাবার্তা বললো সেগুলো আসলে আমাদের একদমই জানা ছিল না, আমরা জানতামই না, তো সেই তুলনায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুবই ইনফরমেটিভ এই জায়গাগুলো। যেমন অক্সিজেনকে রাখার জন্য যে ট্যাঙ্কগুলো লাগে, ক্রোনিক ট্যাঙ্কার লাগে, তো সেই এই ট্যাঙ্কগুলো কিন্তু তারা বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে, হ্যাঁ স্পেশাল ট্যাঙ্ক, এবং তাদের কাছে যেগুলো মজুদও আছে সেগুলো আবার একটি জায়গাতে নাই এবং একটা ফ্যাক্টরির কাছাকাছি নাই, প্রয়োজনে এখন তারা তাদের এরোপ্লেনও ইউজ করছে যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং আসলে তাদের শর্টেজ না, আমরা যেটা এখান থেকে জানতে পারছিলাম বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে না তাদের অক্সিজেনের শর্টেজ আছে, অ্যাকচুয়ালি তাদের অক্সিজেনের শর্টেজ না, তাদের যে ট্যাঙ্কারগুলো আছে যে বহন করার জন্য, ক্যারি করার জন্য, সেইগুলোর শর্টেজ আছে, এবং তারা যে ট্রেন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মালবাহী ট্রেনগুলো সেগুলোও কিন্তু আসলে খুব দ্রুত যেতে পাচ্ছে না, যার কারণে খুব তাড়াতাড়ি রোগীদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, এটা একটা। এবং যেটা বললো আর একটা, এটা সিন্ডিকেট কিন্তু সবসময়তেই হয়, যেমন অক্সিজেনের যে ছোট ট্যাঙ্ক, ছোট সিলিন্ডারগুলো, যেগুলো কিন্তু অনেকে বাসায় রেখে দিয়েছে মজুত করে, এবং প্রাইস অনেক হাই হয়ে গিয়েছে, 600 টাকাটা 20,000 টাকা, এটা মানে খুব বাজে অবস্থা। মানুষ আসলে অনেক মানুষ আছে যারা এই ধরনের ক্রাইসিস তৈরি করে, এবং এগুলো মানুষের তৈরি ক্রাইসিস, এই কারণে কিন্তু আরও বেশি লোকজন মারা যাচ্ছে, যার প্রয়োজন আসলে তাকে এখন এই মুহূর্তে দেওয়া উচিত, নাকি আমি ঘরে নিয়ে বসে থাকলাম আমার কিছুই হয় না, আমার ওটা এখন প্রয়োজন না কিন্তু আমি নিয়ে বসে আছি, তো এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু তাদের ওখানে আসলে ক্রিয়েট হয়েছে। এবং মিসম্যানেজমেন্ট বলবো আমি, কারণ এগুলোর মধ্যে আসলে সমতা তৈরি করতে পারে না এই মুহূর্তে খুব দ্রুততার সঙ্গে, যার কারণে এই ধরনের বড় একটা ক্রাইসিস হয়েছে। আর যেটা আরেকটা জিনিস আমি শিখলাম যে গ্রিন যেহেতু এখানে বলছে যে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য শহরে গ্রিন করিডোরটা, আসলে আমার মনে হয় যে এটা একটা সময় উপযোগী একটা ব্যবস্থা, আর এটা না হলে আসলে অনেক মানুষেরই ক্ষতি হয়ে যাবে। যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে অক্সিজেনকে -185 ডিগ্রিতে কিন্তু রাখতে হয়, তো এটাও একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, কারণ এত আমাদের এই আমাদের আশেপাশের দেশগুলো আমরা কিন্তু অনেক গরম প্রধান দেশ, গরম বেশি,
তো সেই ক্ষেত্রে এই অক্সিজেনকে বহন করার জন্য কিন্তু তাকে ঠান্ডা রাখতে হচ্ছে। হ্যাঁ, স্পেশাল ট্যাঙ্কার সঙ্গে স্পেশাল মেশিন অ্যাড করতে হচ্ছে। অনেক আমার কাছে মনে হয় এগুলো অনেক কস্টলি একটা ব্যাপার। অফ কোর্স। আর যেহেতু এখন জার্মানি তাদেরকে হেল্প করছে ট্যাঙ্ক দিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তাদের এই সমস্যাটা জার্মানি যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে ইনস্ট্যান্ট অক্সিজেন জেনারেট করবে সেই ধরনের মেশিন, যেগুলো যেগুলো হসপিটালে ইনস্টল করা হবে। কিন্তু এগুলো তো আসলে সময় সাপেক্ষ বিষয়। সময় সাপেক্ষ। অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় যে 20 থেকে 25 দিন কিন্তু লেগেই যাবে। আমরা কোথাও থেকে কোনো কিছু ট্রান্সপোর্ট করতে গেলে, যেমন চায়না থেকে আমরা যখন সুতার অর্ডার করি, তখনও কিন্তু আমাদেরকে 20-25 দিন হাতে রেখেই কাজটা করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এক্ষেত্রে ওরকম 20-25 দিন 30 দিন লাগতে পারে, সময় লাগবেই। আর ততদিনে জানি না ইন্ডিয়ার অবস্থা কি হবে। এখনও তো সিচুয়েশন এখনো কন্ট্রোলে নেই, কন্ট্রোলে নাই। এবং এই যে ভাইরাসটা আসছে তার যে অ্যাকশন, হ্যাঁ তার অ্যাকশন কিন্তু আগের যে ভাইরাস ছিল তার মতো না, এটা আরো কঠিন অ্যাকশন। এখন তো বললো যে উনি 2 দিনেই সমস্যা তৈরি করছে, যেটা আগে 7 দিন পর্যন্ত রিপোর্ট আসতে আসতে কিন্তু 7 দিন সময় হাতে পাওয়া যেত, মানুষ টেস্ট করতে পারতো, কিন্তু এখন তো ওটা করতে পারছে না। তবে এর জন্য যে কিছু ভ্যাকসিনের কথা বললো, যেটা হচ্ছে ভ্যারাফিন যে ভ্যাকসিনটা, এটা একটা কাজ করছে। তবে সবচেয়ে ভালো যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নজেল স্প্রে কোভিড-19 জন্য, যেটা আসলে কানাডা অলরেডি ইউজ করছে, এটার উচিত ইন্ডিয়াকে যেটা পারমিশন দিয়ে দেওয়া। এটা হলে হবে কি সবাই ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, আর সবার ঘরে ঘরে যাওয়া লাগবে না ডাক্তারদেরকে এরকম। আর শেষের দিকটাতে উনি যে আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে উপদেশগুলো উনি অ্যাকচুয়ালি দিয়েছে আমার কাছে অসাধারণ। আমি বলবো যে আসলে উনি সাধারণ নাগরিক হিসাবেও যদি উনি এগুলো বলতো, তাও আমার কাছে গভর্নমেন্টের শোনা উচিত এই মুহূর্তে। কারণ আসলে টিচাররা বসে আছে, স্কুলের টিচাররা বসে আছে, তারপর বিভিন্ন রেল লাইন বসে আছে, তারপর গাড়ির লোকজন বসে আছে, অনেক লোকের সঙ্গে যারা জড়িত, এবং অনেক অফিস আদালতও আছে যারা বসে আছে, শিক্ষিত অনেক লোক আছে যাদেরকে কাজে লাগাতে পারে এই মুহূর্তে। আসলে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র ডাক্তাররা যদি ইনভলভ থাকে তাহলে তো হচ্ছে না, কারণ ডাক্তাররা এত বেশি পরিশ্রম করছে, তারা যদি আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করে, তারাই রুটিন করবে, আসলে এটা তাদের জন্য খুবই বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। কারণ এত কিছু পর তারা আসলে সুস্থ থাকতে চান। দ্যাটস ওয়াই কিছুদিন পর পর আমরা ভিডিও দেখতে পাচ্ছি যে তারা মানসিকভাবে প্রশান্তির জন্য বিভিন্ন মিউজিক ভিডিও করছে, তারা নিজেরা গান তৈরি করছে তাদের নিজেদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য। কারণ 8 থেকে 10 ঘন্টা যখন একটা করোনা রোগীর জন্য তারা সার্ভিস দেয়, তখন তাদেরকে প্যাকড হয়ে তারপর তাদেরকে সার্ভিস দিতে হচ্ছে। 8-10 ঘন্টা কিন্তু তাদেরকে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে ডিউরিং দিস টাইম, যতক্ষণ প্যাক হয়ে থাকছে। তো একটা মানুষ কিন্তু অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ডাক্তার, এবং তখন যদি কোনো ইমার্জেন্সি রোগী থাকে তাহলে তাদেরকে আরও কন্টিনিউ আরও অনেকক্ষণ ডিউটি করতে হচ্ছে। আর আরও বড় সমস্যা হচ্ছে মানসিক সমস্যা, যেটা চোখের সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ কিছু মানুষ সাফার করছে, তুমি তাদেরকে সাহায্য করেও বাঁচাতে পারছো না, তখন কিন্তু মেন্টালি তারা উইক হয়ে যাচ্ছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদেরকে শুধুমাত্র ডাক্তারের কাজেই লাগিয়ে অন্য কাজে অন্যদেরকে লাগানো উচিত, আর যেটা অনেক হেল্পফুল হবে আমার কাছে মনে হয়। যেমন আমরা কিন্তু যখন জনসংখ্যা গণনা করা হয়, তারপর বিভিন্ন ভোটার ক্ষেত্রে, ভোটার ক্ষেত্রেও কিন্তু স্কুলের টিচারদেরকে লাগানো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি টিচারদেরকে এসব কাজে লাগিয়ে, আসলে ওনার এই উপদেশটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, এবং সময় উপযোগী একটা উপদেশ। তো আমি মনে করবো যে ইন্ডিয়া এইগুলো ফলো করবে এবং তাদের দেশ তাড়াতাড়ি সবাই সুস্থ হয়ে যাবে এবং সবাই ভালোভাবে সবার ফ্যামিলির কাছে ফিরে আসবে, এই আশা করি। তো আমরা আসলে আমাদের উচিত হবে ইসরায়েল এবং নিউজিল্যান্ডের যে ফর্মুলা তারা মেনটেন করে অলরেডি করোনা মুক্ত হয়েছে, বাকি দেশগুলোকে উচিত হবে তাদের ফর্মুলাগুলোকে রিসার্চ করে তা সবগুলো দেশকে আসলে এই এইসব যে সমস্ত পলিসি আছে এগুলো অ্যাপ্লাই করা। আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু তারা বড় কান্ট্রি এবং তারা ইকোনমিক দিক থেকে কিন্তু অনেক সচল রিচ, তো সেক্ষেত্রে হয়তো ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান আমাদের মতো দেশগুলো আমাদের কিন্তু এটা মেনটেন করাটা এত সহজ হবে না, এবং এটা আসলে ফুলফিললি আমরা মেনটেন করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে যদি যেমন নাজেল ওষুধ যেগুলো তৈরি হচ্ছে বা হবে এগুলো যদি একটু দ্রুততার সহিত আসে, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে প্রবলেমগুলো খুব দ্রুত সলভ হবে। আদারওয়াইজ আমরা আসলে অনেক বড় প্রবলেমের দিকে যাচ্ছি, এবং আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু এখন সংখ্যা বাড়ছে, আগে কিন্তু আমাদের এত সংখ্যায় লোক মারা যায়নি, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সংখ্যাটা বাড়ছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরও একটা ভয়ের বিষয় আছে। তারপরও আশা করব যে ইন্ডিয়া তার দ্রুততার সহিত সুস্থ হয়ে যাক সবাই, এবং সবাই সব রিকভার হোক, এবং সব মানুষ ভালো থাকুক, সবাই আবার মিলেমিশে পরিবারের সঙ্গে থাকুক।
তো আশা করি আজকের যে ভিডিওটি সেই ইনফরমেটিভ ভিডিওটি আপনারাও আমাদের মতো উপকৃত হয়েছেন এখান থেকে ইনফরমেশন পেয়ে। তো পরবর্তীতে ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।